अगर मेरी आज की बहनों के विचार रुक्मिणी सीता और सावित्री जैसे हो जाएं, तो बंधुओं भगवान को आने में ज्यादा विलंब नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगी। मेरी आज की बहनों के विचार बिल्कुल बदल गए। भगवान राम और भगवान कन्हैया जैसे पति की जरूरत नहीं रही है। और अगर ज्यादा कही जाए तो अब पति की जरूरत है ही ना। अब इन्हें पति ना चाहिए, अब इन्हें हस्बैंड चाहिए। वे जो पति पत्नी हते पहले, अब वे दोनों हस्बैंड और वाइफ बनिए। बे वाइफ बनी, बे हस्बैंड बनिए। अब बोलो जिंदगी भर संग कैसे चले न। माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का देखने जाते हैं, लड़का संस्कारी सीधा होगा बहुत अच्छा, लेकिन उन्हें पसंद नहीं है। अगर पिता से ना कह पाए तो मम्मी से तो कहिए दिए कि मम्मी जी हमको हस्बैंड चाहिए, और मेरा हैंड पकड़ के घूमे स्टूडेंट चाहिए, मेरा पेंट पकड़ के घूमे स्टूडेंट चाहिए। भगवान ने भी कह दिया, ओ हिंदुस्तान वालों, तुम्हें तुम्हारा हिंदुस्तान मुबारक हो। जब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं रही तो हमें अब तुम्हारी जरूरत भी नहीं रही। राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, और या कलयुग में दारू मिली, सोच समझ के पी। भगवान राम और भगवान कन्हैया जब हमारे हिंदुस्तान में आए तो दूध दही की नदियां बाया करती थी लोगों। और क्या, अब तो को बंबा लोना है बात। अब है ही ना, अब तो के भैंस के एन में है, के दूध या के केन में है, नहीं तो इटावा ट्रेन में। अब है ही ना दूध, उनने कहा घर में हो तू ऐसे लला को पचत ना है, है? अब पचे कहां से, लला छोटे थे तो मैया ने अपन दूध तो पिवाओ ना। एक प्लास्टिक की मम्मी आती इतनी बड़ी मेडिकल से, भाई मैं गरम करके चाय भद्दई और मुंह में दवाई दी तो पी रहे मजे से, है? अब जो खाना पचावे वाली मशीन पेट में थी वो चाय पी पी की बातों फूक गई सबरी। अब जिंदगी में बोतल ही बोतल, जब भी पैदा हुए तो मम्मी ने सबसे पहले मुंह में बोतल दवाई दी, तो जिंदगी भर उनने भाई बोतल रट ले खा ली। छोटे रहे तो दूध की बोतल पी रहे, और बड़े हो गए तो बाकी ठंडा की बोतल पीन लगे, जाना पट्टा हुई है सो अंग्रेजी की बोतल खोलन लगे, और जब बूढ़े हुई है तो डॉक्टर की सिरप की बोतल खोलन लगे, तो लो मरी गई जिंदगी बोतल में ही चली गई। याद रहे छोटे से बच्चा से पूछ लूंगा दूध पियो ना, मठा दही ना, और रबड़ी खाओ और चाय पियो। धीरे से हंस दिए क्योंकि चाय बहुत पहचानते, क्योंकि छोटे पे अम्मा ने सबसे पहले चाय पिवाई। और का अम्मा खुद पीती नहीं, जब लल्ला पेट में आ तो ताई तेने तो वही सो पैदा वो चत्र वो भीतर ही भीतर कलर बदल को जा। दूध दही और घी रबड़ी की रसम बदलती जाए, और रसम बदलती जाए, ओत सवेरी लल्ला मांगे चाय चाय पचेना। राख चाटी जाइयो
अब समझो ने कहा दूध हो तो घर में सो अम्मा ने एक गिलास दूध में दो लोटा पानी मिलाई तो ले लो वो पी ले और ऊपर से चूल्हे की राख और चटा दी लला राख चाट के जाओ ने पूरा भूतरा दवाई दी अब बता अब चाय पी पी के काजे भगत सिंह बने नहीं चाय पी पी के काजे महाराणा प्रताप बने कभी नहीं चाय पी ताई सो चाय जैसे हुई है आज के जवान पर जवानी नहीं आती लोगों अब तो बचपन की स्टेशन से रेलगाड़ी छूटी और बुढ़ापे के प्लेटफार्म पे जाके ठाड़ी है बीच वाली तो जिंदगी मालूम ही नहीं परी कब निकली आई याद रखना लोगों जवानी का आनंद हमारे बुजुर्गों ने लूटा है जवानी का आनंद हमारे बुजुर्गों ने लूटा है लोगों हमारे बुजुर्ग पहले मजबूत खाना खाया करते थे दूध दही मठा खाने वाले और वही चमक आज उनके चेहरों पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी लोगों और क्या हमारे बुजुर्ग मजबूत खाना खाया करते थे दूध मठा दही पियन वाले तो आज भी उनके चेहरों पर बंधुओं चमक है और जे चाय पियन वाले के तो चेहरा पे मालूम ही ना है पतन पे जवानी आई कि नहीं आई लेकिन तो बेहतरी डाउन हुई महाराज अब तो हमारे बुजुर्ग पहले 20 कोस विद्वान कहते 20 कोस पैदल चल जावे ना है सवारी की चिंता है तो 20-20 कोस हमारे बड़े बूढ़े पहले पैदल चले जाते और अब तो पेशाब को चाहिए तो मोटरसाइकिल हो चाहिए चलो ही ना जाते है अब तो कोई नौ लड़का नल पे हनाए जाए तो एक बाल्टी पानी भरवे में बाएं थक जाती है याद रहे लोग अब जवानी कहाँ है ही ना अब तो जन पे बुढ़ापो आएगा वो नहीं पे आएगा नए पे तो बुढ़ापो आए वो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पहले जैसा खान पान नहीं मिलता है अब समय का खाना नहीं रहा सवेरे उठे चाय पी ली दोपहरी भरी बुले चुप एक दोपहरी पी ली शाम तक मिले च न मिले कोई चिंता ना अब कहां भगत सिंह बने कहां महाराणा प्रताप बने वो रुक्मणी कहती है शादी करूंगी तो कन्हैया से एक दिन सहेलन के संग खेलवे को गई ये श्रीमान श्री सुरेंद्र सिंह जी एक घरा से 101 मुद्राएं हमें अंतिम दिन की विदाई में भिजवा रहे हैं अखिलेश भैया जी के मामा जी हैं भगवान से कामना करता हूं कन्हैया धन के भंडार भरते रहे याद रहे लोगों सहेलन में बैठे खेल रही हैं तो जिनकी शादी होगी तो वे लड़कियां ससुराल की बातें करने लगी तो रुक्मणी को अच्छो ना लगो रुक्मणी बोलिए लड़कियों यहाँ खेलने आई हो या बातें करने आई हो ससुराल की तो दूसरी कल लगी तो ही क्यों जलन लगी है तीसरी कल लगी वगे है ना तासो अजा के ससुरार हो भाई ससुरार की बातें अच्छी लगे जगह है ही ना भाई काम आलम बंदर को काम आलम अदरक को स्वाद कैसे हो तो चौथी लड़की बोली तो बड़े बाबू की बिटिया है ब्याह कर ले और का बोली तेरों